रियलमी C21, इसका आज हम FRP बाईपास रिमूव करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और यहाँ पे हम इसे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कि सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है कि FRP बाईपास कैसे रिमूव करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि इसे यहाँ पे इसे FRP बाईपास का जो लॉक है वो लगा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इंटर पासवर्ड मांग रहे हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद ये आगे जा सकता है। हमारे पास तो ईमेल आईडी है नहीं, तो हम इसे बाईपास करेंगे। तो आपको सीधा बैक आ जाना है, टोटली बैक आने के बाद यहाँ पे आपको जो पावर बटन है वो 5 से 6 बार प्रेस करना है एक साथ। ऐसे इमरजेंसी कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगा और लग के वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपको इसे कैंसिल करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यस ओ यस देख सकते हैं आप, इसे आपको टैप करना है और नीचे डेली इस पर क्लिक करना है, फिर से टैप करना है और फिर से उस पर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से एक बार टाइप करना है। इसे 3 बार करना है तो सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको परमिशन पे टैप कर देना है। परमिशन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे, तो उस पर आपको टैप करना है। सॉरी, सर्च पे आपको यहाँ पे आपको लिखना है रिस्टोर रीसेट सिस्टम सेटिंग और आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पे आपको टोटली पहले फर्स्ट में इसे रीसेट कर देना है और सेटिंग सेकंड नंबर पे आपको सिस्टम भी रीसेट कर देना है। जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है। आपका मोबाइल FRP वापस हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको ऑल डाटा रीसेट कर देना है एक बार, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आगे की जो प्रोसीजर है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चाहे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। धन्यवाद।